जय मसीह की। स्वागत है आपका मरकुस के पांचवें अध्याय के अध्ययन के आखिरी दिन में। आप सोच रहे होंगे कि यह अध्याय तो कल हमने खत्म कर दिया था, तो आज आखिरी दिन कैसे हुआ। अब सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते। यह मत समझिए कि जो हम भक्ति वचन में अध्ययन करते हैं वह संपूर्ण है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, परमेश्वर अलग अलग स्थिति में आपसे अलग अलग तरह से बातचीत करेंगे। परमेश्वर मुझसे एक तरह से बातचीत करते हैं, मैं आपके साथ साझा करता हूँ। कुछ अन्य लोग हैं वो अलग तरह से, अलग दृष्टिकोण से उस वचन को समझते हैं, तो उनको भी सुनिए। तो परमेश्वर के वचन को आप बार बार पढ़िए, बार बार उसका अध्ययन कीजिए, खुद से कीजिए। और आज आप यह जानेंगे कि वचन से सीखने के लिए और समझने के लिए कितना कुछ है। पर एक बात ध्यान रखिए, जो भी सीखें उसका अंतिम ध्येय केवल और केवल यीशु मसीह का प्रकाशन है। जब भी बाइबल पढ़े उसमें यीशु मसीह के प्रकाशन को ढूंढिए, और यही आज हम एक बार फिर से देखने वाले हैं। इस सप्ताह हमने मरकुस 5 अध्याय में 3 चंगाइयों को होते हुए देखा, और आज हम इन चंगाइयों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, वो हम कर चुके हैं। हम ध्यान केंद्रित करेंगे उन लोगों के ऊपर जिनको चंगाई मिली। 3 लोग थे, एक गिरासेनी और प्रदेश में दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति, एक अनजान औरत जो 12 साल से शारीरिक पीड़ा सह रही थी, और एक छोटी सी बच्ची और उसका पिता, बच्ची जो मरने वाली थी और पिता जो आराधनालय के अधिकारी की बच्ची थी। और आज मैं चाहता हूं कि आप यह देखिए कि ये तीनों एक दूसरे से कितने भिन्न थे, कितने अलग थे। उनका व्यक्तित्व अलग अलग था, इनकी समस्याएं अलग अलग थी, इनके जो मानवीय तरीके इन्होंने अपनाए होंगे या इन पर अपनाए गए होंगे वो अलग अलग थे, और यीशु के पास आने के उनका तरीका था वो भी अलग अलग था। पर कुछ था जो एक समान था। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके व्यक्तित्व की। सोचिए, एक यहूदी आराधनालय का अधिकारी था, एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति, ताकतवर, वही वो एक महिला, दुर्बल, हारी हुई, निराश अपनी बीमारी के कारण, अकेली क्योंकि रक्तस्राव के कारण उसे अशुद्ध माना जाता होगा, डरी हुई थी, और वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति एक अन्य जाति का था जिसे यहूदी घृणित मानते थे, ऊपर से पागल था, उसे अपना भी होश नहीं था। पर यीशु ने उन सब के जीवन को छुआ और उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया। अगर आपको लगता है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि परमेश्वर आपके साथ कुछ नहीं कर सकते, या फिर आपको ऐसा है कि आपको कभी परमेश्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप छलावे में हैं। परमेश्वर हर तरह के व्यक्तित्वों के साथ काम कर सकते हैं। हमने यीशु के चेलों को देखा था, प्रेरितों को, हर का व्यक्तित्व, हर किसी का बैकग्राउंड अलग अलग था। बाद में पौलुस, उसका व्यक्तित्व और भी ज़्यादा अलग था। पर परमेश्वर ने सबको छुआ, सबका इस्तेमाल किया। अब आप देखिए तीनों की समस्याओं को, वो भी अलग अलग थी। एक की दुष्ट आत्माओं के कारण मानसिक समस्या थी, उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। दूसरा भावनात्मक रूप से परेशान था, उसकी छोटी सी बच्ची मरने को थी। और तीसरी की समस्या शारीरिक और सामाजिक थी, भावनात्मक तो थी। वे शारीरिक कष्ट के कारण, अपनी बीमारी के कारण सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रही थी। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक समस्याएं। पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जो यीशु के लिए बड़ी हो, जो परमेश्वर के लिए बड़ी हो। परमेश्वर आपकी समस्याओं के मध्य काम करने में समर्थ है। अब जरूरी नहीं है कि आपकी समस्या गायब हो जाए, आपकी परिस्थिति बदल जाए, या आप फिर कभी कोई भी समस्या का सामना नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे हिसाब से तो काम नहीं करते, पर वह उन समस्याओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण को अवश्य बदल सकते हैं, जीवन के तूफानों के बीच हमें शांति दे सकते हैं। जब आप जानते हैं कि यीशु आपके साथ है, तो आप अपनी समस्याओं का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आप उन समस्याओं के अंदर भी परमेश्वर की योजना को समझ सकते हैं। यह प्रतिदिन का अनुभव है। तो अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग समस्याएं, और तीसरा यह रोचक है, तीनों के साथ जो मानवीय तरीके अपनाए गए वो भी भिन्न थे। एक व्यक्ति को, उस दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति को बांध कर रखने की कोशिश की जंजीरों से। लोगों ने सोचा कि समस्या को हम बांध कर रखते हैं,
उसको तो समस्या है, कहीं हमको कम से कम, दूसरों को कम से कम उसके समस्या, उसको बांध कर रखते हैं। नन्ही बच्ची के लिए, उसके लिए पिता ने चिकित्सकों को बुलाया होगा ना, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसने वैद्यों को, चिकित्सकों को बुलाया होगा, उसने धार्मिक वो आराधना मंदिर का वो अधिकारी था, उसने धार्मिक अनुष्ठान कराए होंगे, आखिरकार वो आराधनालय का अधिकारी था, उसके पास वो पावर थी। उस औरत ने चिकित्सकों के न जाने कितने चक्कर लगाए होंगे 12 सालों में, पर किसी से कुछ काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सारे मानवीय तरीके थे। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किसी डॉक्टर के पास जाना बेकार है, परमेश्वर ने ही हमें चिकित्सा विज्ञान और चिकित्सक दिए हैं, और उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, और परमेश्वर उनके द्वारा भी काम करते हैं और करते हैं। पर जो मैं कहना चाह रहा हूं कि उनके पास जो समाधान है वो मानवीय है, परमेश्वर उन समाधानों का हिस्सा नहीं है। कुछ समाधान और अधिक कष्ट देने वाले थे, जैसे कि जंजीरों में उसको बांधना, कुछ व्यावहारिक थे, चिकित्सकों के पास जाना व्यावहारिक समाधान है, परंतु परमेश्वर उन समाधानों का हिस्सा नहीं था। जब आप बीमार पड़े तो निश्चय ही डॉक्टर के पास जाइए, बिल्कुल जाइए डॉक्टर के पास, पर चंगाई के लिए आप केवल डॉक्टरों पर निर्भर नहीं रह सकते। डॉक्टर दवाई दे सकता है आपको, पर चंगाई केवल परमेश्वर के ओर से आती है। संपूर्ण चंगाई, शारीरिक ही नहीं, भावनात्मक चंगाई, मानसिक चंगाई, सामाजिक चंगाई, वो भी तो जरूरी है। तो समस्या के बीच पहले यीशु के पास जाइए, परमेश्वर के पास जाइए, और देखिए कि क्या समाधान वे आपके जीवन में लेकर आता है, क्योंकि उसके समाधान से संपूर्ण चंगाई होती है। तो हमने देखा इन तीन लोगों के भिन्न व्यक्तित्व को, अलग अलग समस्या और भिन्न मानव संसाधन, समाधान, और चौथा आपने ध्यान दिया इन लोगों का यीशु के पास आने के तरीका, वो भी अलग अलग था। वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति, वह आकर बोलता है, हे यीशु, तू मुझसे क्या चाहता है? तुझे परमेश्वर की शपथ, मेरी विनती है, तू मुझे यातना मत दे। और वह याईर, आराधनालय का एक बड़ा अधिकारी, आग्रह करते हुए आया कि साथ चल। और वह स्त्री, वो तो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, चिपते चिपाते, चुप चुपके से, यह सोचते हुए कि मैं इसके सबसे छुपते हुए किसी इसका वस्त्र छू लूं, बस सुबह ठीक हो जाऊंगी, चुपचाप से इसका वस्त्र छू लूं, कोई देख ना पाए। पर सबसे रोचक जो है इस पूरे अध्याय में, यीशु ने इन तीनों के रवैये को ही बदल डाला। वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति, वो पागल जैसे अपना कोई होश नहीं था, कपड़े पहनकर सचेत बैठा हुआ था, यीशु का प्रचारक बन गया था। वही वो स्त्री जो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, चुपचाप से आई थी कि चुपके से मैं वस्त्र छू लूंगी, वो निडर होकर सबके सामने अपनी आपबीती, अपनी कहानी सुना रही थी। याईर की पीड़ा, उसकी घबराहट, निराशा, मायूसी अचानक से उल्लास में और आनंद में बदल गई होगी। यह करता है यीशु आपके जीवन में। हमने इन तीनों की भिन्नता तो देखी, पर इन तीनों में एक समानता भी थी। क्या आपने ध्यान दिया? तीन आयात मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। छठी आयात में, उसने जब दूर से यीशु को देखा, वह उसके पास दौड़ा आया और उसके सामने प्रणाम करता हुआ गिर पड़ा। 22 और 23 आयात में, यहूदी आराधनालय का एक अधिकारी जिसका नाम याईर था, वहां आया और जब उसने यीशु को देखा तो वह उसके पैरों पर गिर कर आग्रह के साथ विनती करता हुआ बोला। और फिर 33 आयात में, फिर वह स्त्री यह जानते हुए कि उसके साथ क्या हुआ है, भय से कांपती हुई सामने आई और उसके चरणों पर गिर कर सब सच सच कह डाला। क्या है जो तीनों में एक जैसा था? यह कि सब यीशु के चरणों पर गिरे। समाधान मेरे भाइयों और बहनों यीशु के चरणों में है। समाधान मेरा नहीं है, आपका नहीं है, समाधान उसका है। चंगाई मेरी नहीं है, उसकी है। उसकी चंगाई मेरे जीवन में उसके उद्देश्य के लिए है। वे सब लोग यीशु के चरणों पर गिरे, और हम साथ मिलकर यही करते हैं अभी प्रार्थना में। यीशु, हम तेरे चरणों में आते हैं, इस बात को पहचानते हैं कि तू हमें जैसा, तू हमें जैसा प्रेम करता है वैसा कोई नहीं करता। तेरा ख्याल और तेरी करुणा की गहराई किसी भी परिस्थिति में
उसकी कोई तुलना ही नहीं है। हम मानते हैं हम सबको समझ नहीं सकते, पर फिर भी हम तेरे पर भरोसा करते हैं क्योंकि तू भरोसे के लायक है। हम इस वक्त तेरे पर भरोसा करते हैं, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में तेरे चरणों पर गिरते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अंत में हर घुटना तेरे आगे झुकेगा और हर मुंह कबूलेगा कि तू प्रभु है। पर हम तब तक रुकना नहीं चाहते, हम तब तक नहीं रुकेंगे, हम अभी तेरे सामने झुकते हैं यह मानते हुए कि तेरे पास ही सारी समस्याओं के उत्तर हैं। मानते हैं कि तू ही आशा है, तू ही चंगाई है, और इसलिए तेरे चरणों में आकर तेरे पर निर्भर होते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, यीशु तेरे नाम से आमीन। अगले सप्ताह आप मरकुस 6 के अध्ययन में हमसे फिर से जुड़िएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।